तो भाई लोग फिर से आगे में एक और बुली की गेम प्ले वीडियो में और पिछली वाली वीडियो में हमें एक बेवड़ा सेंटा मिला था। वो कह रहा था कि भाई मैं हूँ असली सेंटा। तो हमने भाई रियल सेंटा की हेल्प की थी थोड़ी सी उसे बच्चे बच्चे दिलाने में। हाँ मुझे पता है उसका बच्चे किडनैप करने का धंधा है, उसने ये बात किसी को नहीं बता रखी, सिर्फ मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। खैर मतलब उसे बच्चों को थोड़ा इम्प्रेस करना जिससे कि वो उन्हें आसानी से उठा सके, मतलब उनके साथ क्रिसमस की फ़ोटो वोटो खींच सके। तो भाई हमने उसकी हेल्प करी थी थोड़ी सी, और भाई दूसरे सेंटर के पूरे इलाके में तोड़फोड़ मचा रही थी जो थोड़ा सा रियल सेंटर लग रहा था। तो भाई देखो अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही है ना तो भाई महाकाल का नाम लेके भाई दबा दो लाइक एंड शेयर, कमेंट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब दबा दो यार, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, हो सकता है तुम्हें पहले से ना पता हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कि यूट्यूब बुली की वीडियो को रीच नहीं दे रहा तो थोड़ा सा हेल्प मी, शेयर करो, दबा के शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। भाई कुछ नहीं है, शेयर तो कर ही सकते हो भाई, इतनी बड़ी बात नहीं है, लाइक भी कर दिया करो भाई, ऐसा टप करके बटन ही तो दबाना होता है, ठीक है भाई, हेल्प मी, मजे लेंगे यार साथ में बुली के। तो खैर वीडियो शुरू करते हैं। अरे इंस्टा वाली मैडम रील्स बना रही हो क्या? It's all about letting go and being really unself-conscious. Sounds like heaven, miss. Great. ऐसा लग रहा है ऐसे नशा करने के बारे में बता रही हो। देखिए नशा करने का पहला तरीका घर में। No way. I'm a teenage boy. No? What do you mean no? You have to help me unless you plan on failing my course. What? You gotta be joking, right? Please. Do I look like I'm joking? You want another F boy? Okay, okay, I'll do. You're a real bully, ma'am. Peace and love, Jimmy. Oh yeah. Wasn't that lovely? अरे भाई मैडम तो पूरा गांजा मार के आई है भाई, क्या यार बिल्कुल जोकर का छटा बता बना दिया मैडम तो गांजा मार के आई है, मैंने नसैडी जैसा बना दिया। तो भाई मैं बताऊं अभी हुआ क्या था। अच्छा तो भाई बाजा बजाते बजाते बताते हैं क्या हुआ था, ठीक है। तो भाई हमें ये म्यूजिक वाली मैडम मिली थी, और देखो मुझे इस पर ही फोकस करना पड़ रहा है बाजा बजाने पे भी, तो स्टोरी बताने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, और नहीं तो बाजा बजाने में गड़बड़ होगी यार, क्या जुल्म है। चलो तो पहले बाजे बजा देते हैं, तुम्हें स्टोरी बाद में बताएंगे। ओ भैया पास हो गए यार, कितना मुश्किल था भाई बाजा बजाना, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हें स्टोरी बताऊँ क्या हुआ था। तो भाई हमें म्यूजिक वाली मैडम मिली थी, हरकतें ऐसे कर रही थी जैसे तो उस पर इंस्टा पे रील्स बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन खैर हमें मैडम की रील्स से क्या। तो भाई हम मैडम के पास गए, तो मैडम ने कहा कि उनका भाई कोई म्यूजिक का सिस्टम था क्रिसमस के ऊपर, कोई उनका म्यूजिक प्रोग्राम था, तो उसमें जिस बंदे को उन्होंने सेलेक्ट करा था वो भाई लास्ट टाइम पे गायब हो गया, और फिर बचे भाई हम। तो मैडम ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, उस बंदे की जगह तुम वहाँ पे भाई म्यूजिक बजाओ। तो भाई हमने कहा कि हम ऐसे कैसे म्यूजिक बजा सकें भाई, हम बहुत बड़े म्यूजिशियन आर्टिस्ट थोड़ी हैं। तो भाई मैडम ने कहा कि नहीं म्यूजिक बजाना पड़ेगा, नहीं तो फेल कर दूंगी तुम्हें अपने सब्जेक्ट में। तो भाई हमारा फेल वेल होने का कोई हिसाब किताब था नहीं, बहन मैं ऐसे क्लास पास करते हैं फिर फेल हो जाओ तो ये बढ़िया बात नहीं है। तो भाई हम जैसे तैसे करके मान गए भाई रोट लीट के। फिर भाई मैडम ने हमें वो जोकर जैसा कॉस्ट्यूम पहनने को कही, भाई हमने कही यार ऐसे थोड़ी होता है, मैंने जब म्यूजिक बजाने को मान गए तो यार तुम तो बिल्कुल ही मानने को तैयार हो। तो यार फिर भी यार मैडम नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा कि भाई बिल्कुल चूतिया लगेंगे, उन्होंने कहा नहीं भाई तुम हीरो लगोगे जिसने अपना वो क्रिसमस का प्रोग्राम सेव करा है, जो भी उनका सिस्टम था क्रिसमस के लिए क्रिसमस प्रेजेंट को भाई सेव करा है। तो खैर हम भाई आ गए बाजा बाजा बजा के एकदम यार जोगे का छटा बता लग रहा था भाई सही में। अरे भाई बच्चों के सपने में आके डराने वाले सेंटा, अरे ऐसे सेंटा कुछ नहीं चाहिए भाई, थोड़ा बहुत गांजा वांजा ला के दे दो कुछ हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए ऐसा। तो भाई हमें क्या है अभी थोड़ा सा कूड़े में से सामान उठा के लाना है जो कि चमकता हो, थोड़ी बहुत डेकोरेशन वेकोरेशन करने के लिए सेंटा के इलाके की। वह भैंसों कुत्ता छोड़ दिया दूसरे सेंटा के बंदों ने हमारे पीछे, बेटा मैटर नहीं मैटर नहीं मैटर नहीं, गांड फाड़ दूंगा, हट जा बेटा अब गांड फाड़ दूंगा। अबे साले कुंफू मास्टर सेंटा रुक, अबे भाई डस्टबिन में पैक कर दिया दूसरा सेंटा कुंफू मास्टर सेंटा भाई डस्टबिन में पैक हो गया, ठीक है भाई लोग। तो हमने सेंटा को उसका माल ला के दे दिया है, और भाई सेंटा खुश हो गया, कह रहा है कि भाई बिजनेस का टाइम हो गया है,
चलो बिजनेस शुरू करते हैं भाई। डेकोरेशन वेकोरेशन कर लिए उसने थोड़ी सी, भाई बच्चे भी किडनैप कर लिए, तो अब उन्हीं में से उन्हीं बच्चों की हमें फ़ोटो खींचनी है ऐसे हंसते हुए की। मतलब जब बच्चे हंसेंगे तब फ़ोटो खींचें, जैसे कि अब नहीं। हाँ अब तो सही है भाई, सारे बच्चों को किडनैप किया गया पहले ही बता दूँ। डिस्क्लेमर है, नीचे से कोई नहीं है भाई यहाँ। अब इन फोटो को बेच के भाई सेंटा क्लॉज अमीर हो जाएगा, वही बच्चों की सफाई लेकर। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस फोटो फोटो खींचनी है हमें। ठीक है भाई, फोटो खींच ली गई है सारी की सारी, और बेवड़ा सेंटा भाई और दाल चढ़ा के नाचने लग गया। ठीक है भाई, तो इतनी मजदूरी करी हमने सेंटा के लिए, और उसके बदले हमें सेंटर में थोड़े से पैसे दे दिए भाई। पैसे तो ठीक ठाक दे दिए, $50 के आसपास सही है। देखो जगह भी थोड़ी ठीक ठाक सी बना दिया, कचरे में से सामान टाके भी। तो भाई जैकेट वाला बंदा मिला था हमें अभी अभी, और उसने हमें बताया था कि लोग उसके बारे में हंस रहे हैं और उसे चूतिया वूतिया बोल रहे हैं, और ये कह रहा था कि तुम भी उसी में से हो। भाई गाय ने उसका चूतिया काटा है, कुछ नहीं है भाई ऐसा। ठीक है, तो हमने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम तुझे तेरे ऊपर नहीं हंस वस रहे, कुछ नहीं कह रहे हम तुझे। वो भाई वो बंदा था जोनी, जोनी सीज। तो भाई उसने कहा कि उसकी सेटिंग जो है वो किसी और बंदे के साथ घूम रही है, और हमें जो है उन दोनों की फ़ोटो लेनी है, 3 फोटो ले जाके भाई उसे प्रूफ की तरह देनी है, और फिर भाई उनकी गांड वांड तोड़ देगा। तो ठीक है, करते हैं उसका काम। तो भाई ये इसकी सेटिंग है उस जैकेट वाले बंदे की, और हमें भाई इसकी फ़ोटो लेनी है इस दूसरे बंदे के साथ। अरे ठीक है, आज वाली वीडियो में इतना ही।